आपने अभी तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन के इंटरव्यू का एक हिस्सा सुना है, बाकी का इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक बार फिर आपको सुहेल शाहीन के सबसे विस्फोटक इंटरव्यू की अहम बातें बता देते हैं। क्या सबसे बड़ी और अहम बात उन्होंने कही है? तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने जो बड़ा बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हर दिन गुजरने के साथ काबुल के हालात बेहतर होंगे। जहां हमला हुआ वहां की सुरक्षा यूएस आर्मी के पास थी, इसलिए तालिबान का उससे कोई लेना देना नहीं। काबुल धमाके में कई अफगानियों की मौत हुई, काबुल में मौजूद हिंदुस्तानी रहेंगे सही सलामत। ये बड़ी बात कही उन्होंने। कभी भी आ सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ मौजूद लोग, यानी अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप कभी भी अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं। ये 31 अगस्त तक की होड़ बंद की जाए, ये कहना है तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का। अमेरिका को लेकर सुहेल शाहीन ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि 31 अगस्त तक वापस जाने का वादा निभाए यूएसए। हम अमेरिका के साथ बेहतर संबंध के लिए हमेशा तैयार हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये भी कहा तालिबानियों ने। बेहतर अफगानिस्तान बनाने पर हमारा अब फोकस होगा, अफगानिस्तान में की जाएगी शांति बहाली। ये बड़ी बातें सुहेल शाहीन ने टीवी 9 भारतवर्ष के इस इंटरव्यू में कही हैं, जिसमें पूरी रूपरेखा तालिबान की सरकार की क्या होने वाली है, उनकी नीति क्या होगी, अमेरिका के प्रति, भारत के प्रति, कश्मीर को लेकर सब साफ किया है सुहेल शाहीन। तो आइए अगला हिस्सा सुनते हैं इस अहम इंटरव्यू का। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल शाहीन? मैंने आपको बताया कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन जनरल पॉलिसी हमारी ये है जिधर भी हो, कश्मीर भी हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो जो है, या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज है वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं। और तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम मिलिटरीली किसी दूसरी जगह ऑपरेशन करें ये हमारी पॉलिसी नहीं। हाँ, क्योंकि आपने चाइना के संदर्भ में ये कहा था, चाइना के रिलेशन में, कि उइगर मुसलमानों का मसला उनका अपना मसला है, उनका इंटरनल मैटर है। हमने उधर भी जैसा कहा था कि ये वो उनकी सिटीजन है, सिटीजन से वो उसका जैसे दूसरी उसके सिटीजन है ऐसा उनका भी हक है, जो भी सिटीजनशिप का हक है और कानून में सबको एक्सेस होना चाहिए, तो ये हमारी पॉलिसी है। दुनिया में एक फिक्र कुछ जगहों पर यह भी है कि अमेरिका अपने पीछे एक बड़ा आर्सेनल जो छोड़ गया है, वेपन्स का, एम्यूनेशंस का, ड्रोन है उसमें और कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, क्या वो आपके साथ सुरक्षित समझे जाएं और उनका उपयोग कहीं गलत नहीं होने पाएगा, या आप इंश्योर करेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी है अगर हमारे कम हो असलहा और ज्यादा हो, पॉलिसी मैंने आपको वाजह किया ऐसा, तो आपके पास भी बहुत ज्यादा असलहा है, जो आपके पास असलहा है वो हमारे पास नहीं है, बहुत ज्यादा है, और हर साल बिलियंस के डॉलर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो असलहे खरीदने पर, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप खामखा वो इस्तेमाल करें, वो तो अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, ये तो हम हमारी फॉरेन एजेंडा ही नहीं है, तो ये गलत, ये भी एक प्रोपागंडा है, तो और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, सस्पेशन क्रिएट करने के लिए, कुछ हरकत नहीं इसमें। आप लोग लगातार लोगों को ये अश्योर कर रहे हैं कि वो महफूज हैं, आपने आम माफ़ी का भी ऐलान कर दिया, आपने कहा कि सब लोगों को के जान और माल की हिफाजत की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद लोग क्यों छोड़ रहे हैं अफगानिस्तान? इतनी बड़ी तादाद में अफगानी क्यों छोड़ना चाहते हैं अफगानिस्तान? जी, अगर यूएस अभी भी इंडिया में एक ऐलान करे कि सब लोग जो
जाना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेटल करने के लिए, वो दिल्ली एयरपोर्ट चला जाए नेक्स्ट 2-3 आवर्स में, आप देखेंगे कि लाखों लोग उधर एयरपोर्ट में जमा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सब स्केयर्ड है, टेरिफाइड है आपके गवर्नमेंट से आपसे। नहीं सुहेल, आप देखिए, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझना चाहता हूँ, जहाँ एक्सप्लोजन हुआ उसी जगह पर, एन उसी जगह पर अगले दिन उससे भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग जमा थे कि किसी तरीके से निकल जाएं, इसको आप कैसे देखते हैं सिनेरियो? पहले ये है कि उतना लोग उधर नहीं है, जो आपने कहा वो सही नहीं है। दूसरा ये है कि मैंने कहा कि उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था, इसमें ऐसा लोग थे जो उन्होंने अपने यानी फॉरिनर्स के साथ काम भी नहीं किया था, बहुत से ऐसे लोग थे, आम लोग थे उधर गए थे, उन्होंने कहा ये फुर्सत है कि हम चला जाए, वो रिसेटल हो जाए गरीबी ममालिक में। बच्चों और महिलाओं के लिए आपने बार बार बातें कही हैं, एक बार फिर से आप दोहराएंगे कि आपने आखिरकार उनको लेकर क्या तय किया है, ताकि जो लोग सुन रहे हों उनके दिमाग में ये बात पैबस्त हो और बैठ जाए, आपने क्या सोचा है उनको लेकर आगे, आप कैसे उनके साथ ट्रीट करने वाले? यू मीन वुमेन? राइट, यस। ये ख्वातीन के लिए तो हम कमिटेड है, उसकी एजुकेशन का जो हक है, उसकी काम करने का हक है, उनके लिए बिल्कुल हम कमिटेड है, वो कर सकते हैं। उन्होंने बल्कि उन्होंने एक्चुअली ये शुरू भी किया अपने काम का, जॉब को उन्होंने जो ज्वाइन किया, रिज्यूम किया है, और जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो स्कूल जा रहे हैं सारे अफगानिस्तान में, काबुल सिटी में भी, और जो जो प्राविंसेस है अफगानिस्तान के दूसरे सूबे हैं उसमें भी उन्होंने जाना शुरू कर दिया है स्कूल को। तो ये प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं सब को, और ये हमारी पॉलिसी भी है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ ये है कि वो इस्लामी हिजाब रियायत करें, और मुश्किल नहीं। ये ओथ टेकिंग में देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है? देरी की वजह ये है कि हम चाहते थे कि सबके साथ जो अफगान पॉलिटिशियन है उस सबके साथ मशवरा करें, उसके जो नज़र है उसकी मशवरा जो है अपने साथ ले ले, ताकि वो कोई भी ऐसा एहसास ना करे कि मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ। तो देरी की वजह ये है, लेकिन मेरे ख्याल में आप ये फाइनल स्टेजेस में है, तो ये बिल्कुल ऐलान हो जाएगा इंशाल्लाह कहीं अगले दिनों में। हिंदुस्तान में सुहेल शाहीन जो लोग आपको सुन रहे हैं वो अश्योरेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं सुहेल शाहीन तालिबान ये स्पष्ट करे कि क्या पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देगा वो अपने रिसोर्सेज को हिंदुस्तान के खिलाफ, और अगर कभी पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा तो वो उसको रोकेगा क्या? देखो मैंने आपको कहा कि आप ये इंडिया पर डिपेंड करता है कि वो अफगानिस्तान के आवाम के खिलाफ ये खसमाना पॉलिसी को जारी रखते हैं, या चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो एक आवाम का एक हुकूमत वजूद में आ गया है उसकी एटलीस्ट इम्पार्शियल रहते हैं, या उसकी जो जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से उसको चाहते हैं जारी रखते हैं, तो उसको उस पर डिपेंड करता है। हमारी पॉलिसी तो मैंने वाजिए तौर पर कहा कि एक ये है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के तामीर नाव पर तवज्जो मरकूज करें। तीसरा ये है कि हम मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान को एक ग्राउंड हो राइवलरी का। तो इसमें हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़े है। सुहेल शाहीन, लेकिन इस तरह के जो एक्टर्स हैं मसलन आईएसआईएस के, ये आपकी सरजमीन में ही रहकर और आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे, इनकी इनकी ताकत क्या आंकते हैं आप, और इनको कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा आपको?
इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये हम इनिशियल डेज है, जब ये खारिजी कब्जा खत्म हो जाए आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फॉरेन फिनोमेना है, ये लोग अफगान नहीं है, अक्सरत बाहर से है, तो वो अफगानिस्तान में वो रूट नहीं पकड़ सकते इंशाल्लाह। अमेरिका अगर फिर से प्लान करता है नंगरहार में बॉम्ब ड्रॉप करने से रिलेटेड कुछ अगर आता है उनके वहाँ, तो ये आपकी तरफ से इस बात की इजाज़त होगी? नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं। जो अफगानिस्तान के मसाइल हो, मुश्किल हो, हम इसके काबिल है कि उसको हल करें, उसको जो भी एलिमेंट्स हो हम खुद उसका मुकाबला कर सकते हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।